हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग क्वीन। अभी दिवाली जो है वो कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली शुरू होने में, तो मैं करने जा रही हूँ आज दिवाली की शॉपिंग। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से थोड़ी दूर पे एक लोकल मार्केट है, जहाँ से मैं मेरी दिवाली की जो सारी शॉपिंग है वो मैं वहीं से करूँगी। तो चलिए चलते हैं उस वाली शॉप पर। ये जो एरिया है ये ओल्ड सांगवी से लेकर न्यू सांगवी तक का एरिया है, और ये जो शॉप लोकेटेड है ये न्यू सांगवी में है। साई चौक के थोड़ा सा आगे ये शॉप जो है वो लोकेटेड है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो कर रही थी, बट आजू बाजू में बहुत सारा साउंड था तो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, तो इसलिए अभी मैं वॉइस ओवर जो है वो कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे आकाश दिए लगे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में है, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये जो शॉप है ये काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर भी आकाश कंदील या आकाश दिए जो है वो बहुत सारे लगे हुए हैं। मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि दिवाली के लिए क्या क्या नया स्टॉक अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है अभी। ये जो शॉप है ये बहुत अच्छी है, और दिवाली में जो है वो रौनक बहुत बड़ी रहती है। मतलब इतने सारे कलर्स और ये सब देख के मन खुश हो जाता है कि दिवाली आ रही है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो है ये रंगोली का जो रहता है ना पेन, उस टाइप का है जिसमें आप रंगोली भर के वहाँ पर आगे थोड़ा सा छेद रहता है तो वहाँ से आप रंगोली जो है वो निकाल सकते हैं। रंगोली का पेन है ये सिर्फ 10 रुपये का है। और मेरे हाथ में अभी जो देख रहे हैं आप, यह है हमारा उमरा जो रहता है या दहलीज जो रहती है उसके ऊपर लगाने के लिए ऐसी पट्टी आती है जो काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो ये वही वाली पट्टी है जिसमें पीछे की साइड एक स्टिकर लगा हुआ रहता है, वो हम निकाल के दहलीज पे चिपका सकते हैं। ये जो है वो छोटे छोटे स्टेंसिल्स है। एक्चुअली रंगोली जो है इसमें बहुत सारे स्टेंसिल्स आते हैं, मतलब छोटे बड़े आप जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ में आपको मिल जाएंगे। और ये जो है ये स्टिक करने वाले स्टेंसिल्स रहते हैं, मतलब ये आप आसानी से ये चिपका सकते हैं। जैसे उसके पीछे जो है वो स्टिकर लगा हुआ रहता है, वो स्टिकर सिर्फ निकाल के आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ चिपका सकते हैं। ज़्यादातर ये जो है ये दरवाज़े के सामने, मतलब मेन जो डोर रहता है दरवाजे के सामने दहलीज के पास ही वो चिपका सकते हैं आप। ये जो ये भी काफ़ी सस्ता है, 10-10 रुपये का एक आता है ये। और जैसे मैं अभी बता रही थी कि ये रंगोली के स्टेंसिल्स हैं। एक्चुअली दिवाली जो है वो रंगों के बिना या रंगोली के बिना अधूरा ही रहता है, तो रंगोली के जो स्टेंसिल्स है उसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। फिर यहाँ पर है लाइट के बॉल्स वगैरह है जिसमें आप लाइट जो है वो आसानी से हैंग कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे उन्होंने हैंग करके रखा हुआ था, एक के बाद एक ऐसे बॉल्स आते हैं और उसमें आपको सिर्फ लाइट की जो लड़ी रहती है वो आपको लगानी है। ये दिखने में काफ़ी सुंदर था और ये सिर्फ 160 के अराउंड था। इसमें बहुत सारे पैटर्न और कलर्स में भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अलग जो दूसरे वाला जो साइड है यहाँ पर आपको टी लाइट कैंडल का जो होल्डर रहता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें क्या रहता है कि एक ही टी लाइट आप लगा सकते हैं बट उसके साइड में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो है वो बनी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेंदों के फूल के जैसा उसका लुक है, ये भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे और कलर्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं। ये जो है आप इनडोर डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे भी साइजेस अवेलेबल हैं जो 150 से लेकर 250 तक आपको मिल जाएंगे। फिर ये जो है ये एलिफेंट के ऊपर का टी होल्डर है, टी लाइट होल्डर, ये वाला एक अलग सा टी लाइट होल्डर है। इतने सारे वैरायटीज़ और अलग अलग रंग है ना कि देख के ही मन खुश हो जाता है। और यहाँ पे जो है कुछ सेंटेड टी लाइट कैंडल्स भी थी जो मैं आपको अभी दिखाऊँगी। और ये जो है ये भी एक टी लाइट होल्डर ही है, ये 120 रुपीज़ का है जो मेरे हाथ में है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ बैटरी ऑपरेटेड दिए है, मतलब लैम्प से जिसके अंदर सेल लगा रहता है और इसमें लाइट भी जलती है, तो आप अगर ये रात को लगाओगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है और ये काफ़ी सस्ता भी है।
एक्चुअली ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 50 रुपीज़ का एक है, और ये छोटा वाला जो है ये 25 रुपीज़ का एक है। फिर हमें लक्ष्मी जी है, ये केरसुनी भी बोलते हैं इसको, तो ये लक्ष्मी जी जो है वो हम लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा करते हैं उनकी, और हमारे घर में स्थापित करते हैं। फिर ये जो है ये सेंटेड टी लाइट्स है, ये लेवेंडर लेवेंडर का है, इसमें बहुत अलग अलग स्मेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, और ये काफ़ी सस्ता भी था, ये अराउंड 40 रुपीज़ का था एक पैकेट। ये उससे भी छोटे से लैम्प है जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये भी 20 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। इसमें बड़े साइजेस भी अवेलेबल रहते हैं। और ये जो है ये अभी फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, जो फ्लोटिंग नहीं सॉरी, ये जो है ये शेडो वाले कैंडल्स है, जिसमें क्या होता है हम जब दिया जलाते हैं तो उसका शेडो जो है वो नीचे फर्श पर दिखाई देता है, और उसका शेडो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक पैकेट लिया है उसका, मैं आपको उसका दिवाली में डेकोरेशन के वक्त मैं आपको उसका वीडियो जो है वो दिखाऊंगी। और ये जो है ये ट्रेडिशनल दिए हैं, जो कलर करके और थोड़ा सा डेकोरेट करके मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि दिवाली में मिट्टी वाले जो दिए रहते हैं वही हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो दिए लगाना ज़्यादा शुभ रहता है। और ये फ्लोटिंग वाले भी आप लगा सकते हैं और डेकोरेशन के लिए, बट ट्रेडिशनल जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है अलग अलग स्टाइल्स में या अलग अलग डिज़ाइन में कलर्स में आपको जैसे चाहिए वैसे उस तरह के दिए जो है ये अवेलेबल रहते हैं। और इसका प्राइस भी बहुत मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और साल में एक बार हम लोग दिए लगाते हैं तो हम उतना तो ले सकते हैं दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनमें से आप कुछ भी लेंगे ना तो आपका घर बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये जो ये ट्रेडिशनल दिए हैं जो एकदम प्लेन है, जिस पर कुछ वर्क या पेंट वगैरह कुछ नहीं है, बट वो भी दिए अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे व्यापारी लोगों जो बुक्स रहता है उनका, जो बही खाता बोलते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक्चुअली व्यापारी लोग जो है वो लक्ष्मी पूजा के दिन उनका नया बुक जो है उसका पूजा करते हैं, और उसी में फिर लिखना वो स्टार्ट करते हैं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड उनका जो भी रहता है अकाउंट्स वगैरह, वो सब उसमें उस बुक में वो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ये बॉक्स में 50 टी लाइट कैंडल्स है, ये भी काफ़ी अच्छा है, बट मेरे पास ऑलरेडी टी लाइट्स कैंडल थे घर पे, तो मैंने ये वाले नहीं लिए, बट काफ़ी सुंदर सुंदर है। और ये जो है ये मटके जो है वो हम लोग लेते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, उनकी पूजा होती है लक्ष्मी जी के साथ, वो भी काफ़ी शुभ माना जाता है। यहाँ पे जो है ये तोरण है अलग अलग स्टाइल के, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर तोरण है। ये इसमें जो है वो फूलों वाले भी हैं, या फिर वो कुछ वर्क वाले हैं, मोती वाले हैं, बहुत ही अलग अलग स्टाइल के, और काफ़ी सुंदर है ये तोरण, और सस्ते भी है, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आप देख सकते हैं ये डोर पे लगाने वाला तोरण है, काफ़ी अच्छा है। इसमें अभी मेरे बेटी ने ये वीडियो शूट किया था, तो उसने थोड़ा सा फास्ट लिया है, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला होगा, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है ये। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे आकाश दिए भी हैं वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। यहाँ पे रंगोली का सामान है सब, रंगोली के कलर्स, रंगोली वो सब था, पेन था, रंगोली के स्टेंसिल्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइजेस में, छोटे छोटे साइजेस भी अवेलेबल रहते हैं उसमें। एक्चुअली दिवाली में जो है हर तरफ लाइट वगैरह रहती है, तो माहौल काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग भी दिए लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। दिवाली जो है वो इंडिया का एक ऐसा त्यौहार है जो हर कोई मनाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गेंदे के फूल के जैसे कुछ तोरण है, ये आप एज अ माला भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके मंदिर के लिए, या फिर दरवाजे के बाहर जो भी हम तोरण के जैसे लगाते हैं उस तरह से भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और उस शॉप के जस्ट बगल में ये छोटी सी गली है जहाँ पर ये आकाश कंदील जो है वो उन्होंने लगाए हुए थे।
ये शॉप जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब क्वालिटी भी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। ये शॉप बहुत अच्छी है। और मैं हमेशा क्या करती हूँ, दिवाली में या कुछ भी त्यौहार रहता है तो त्यौहार की जो भी शॉपिंग रहती है वो मैं यहाँ से लोकल मार्केट से ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि वहीं से परचेस करूँ, क्योंकि लोकल जो वेंडर रहते हैं उनका प्राइस थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन शॉप्स। और यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट कैंडल्स हैं जो काफ़ी छोटी छोटी साइजेस में है और ये 10 रुपीस से स्टार्ट होता है, मतलब 10 रुपीस का एक पीस। और इसमें कैसे कि वाइट कलर भी है और अगर आपको कलर्स में चाहिए अलग अलग कलर्स में तो अलग अलग कलर्स में भी ये अवेलेबल है। यहाँ पे जो है ये भाई साहब जो है वो आकाश कंदील वगैरह सब लगा रहे हैं, नए नए जो भी पीसेस आए हैं मार्केट में वो सब वो लगा रहे हैं। और इस शॉप में अभी ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही आई थी यहाँ पे, अराउंड 10 बजे के आसपास मैं आ गई होंगी तो ज़्यादा अभी रश नहीं है। तो ये शॉप जो है वो पूरा खाली था, तो मुझे शॉपिंग करने में या आपको दिखाने में मतलब ज़्यादा ये नहीं हुआ, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ लोग नहीं थे वहाँ पे। और आप देख सकते हैं सामने जो रोड है वो एकदम रोड टच शॉप है, तो सामने का जो रोड है वो हमेशा ट्रैफिक वहाँ पे लगा रहता है। और यहाँ पे जो है वो दीवार हमारे जो मेन डोर रहता है, ये मेन डोर के पास लगाने के लिए लक्ष्मी जी के पाँव के जो निशान रहते हैं जो स्टिकर्स में आते हैं वो सब लगे हुए थे। और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आकाश कंदील जो है वो लिए थे, वो 90 रुपीज़ पर डज़न ऐसे मुझे मिले थे तो वो मैंने लिए। एक्चुअली ये छोटे छोटे आकाश कंदील भी बहुत सुंदर लगते हैं और ये मैंने लिया है थोड़ा सा भगवान के लिए प्रसाद जो हमेशा लेते हैं। और ये आकाश कंदील का एक पैकेट, छोटे आकाश कंदील का पैकेट। और अभी मेरे पूरा शॉपिंग अभी इसमें वीडियो में नहीं आया है, बट मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी मैं आपको बनाऊंगी, तो वो भी प्लीज़ ज़रूर देखना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।